नमस्कार, मैं दिव्या, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 27 फरवरी, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार प्रशासनिक सेवा में कई अधिकारियों का ट्रांसफर। बिहार पैटर्न को बढ़ावा देने के लिए सरकार देगी प्रोत्साहन राशि। अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए सरकार का प्लान तैयार। प्रदेश के इन स्थानों पर बारिश की संभावना। सक्षमता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न को लेकर शिक्षकों ने दी जानकारी। यूपीआई से एक दिन में इतने रुपए कर सकते हैं ट्रांसफर। भारत ने इंग्लैंड को हराया, 5 विकेट से रांची टेस्ट मैच में हासिल की जीत। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। निफ्ट पटना में ग्रुप सी के पदों पर निकली भर्ती। विभिन्न ग्रुप सी पदों के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने भर्ती निकाली है। ये भर्ती कुल 30 पदों पर निकली है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 मार्च 2024 है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट www.nift.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के आधार पर होगा। मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के आधार पर तैयार की जाएगी। इस आवेदन के लिए शुल्क के रूप में आपसे 590 रुपए लिए जाएंगे। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार प्रशासनिक सेवा में कई अधिकारियों का ट्रांसफर। बिहार प्रशासनिक सेवा में कई अधिकारियों का तबादला हुआ है। राज्य के कई जिलों के एडीएम बदले जा चुके हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए अधिसूचना जारी की है। लोकसभा चुनाव के पहले बिहार प्रशासनिक सेवा के 10 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। 10 अधिकारियों में से 6 को अपर समाहर्ता बना दिया गया है। कैमूर जिले के उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का ट्रांसफर हुआ है। अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी सिवान की भी पोस्टिंग हुई है। 4 जिलों में नए DDC की पोस्टिंग दी गई है। उपेंद्र प्रसाद सिंह सिवान के ADM बन गए हैं। भारत ने इंग्लैंड को हराया, 5 विकेट से रांची टेस्ट मैच में हासिल की जीत। भारत और इंग्लैंड के बीच रांची में टेस्ट चौथा टेस्ट मैच खेला गया। इसमें चौथे टेस्ट मैच में इंडिया ने जीत हासिल की है। भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया है। इसमें इंग्लैंड ने टीम इंडिया को 192 रनों का लक्ष्य दिया था। इसके बाद टीम इंडिया ने 3-1 से मैच अपने नाम कर लिया है। टीम इंडिया के ध्रुव जरेल और शुभम गिल ने नाबाद 72 रनों की साझेदारी खेली। वहीं कप्तान रोहित शर्मा ने 55 रनों की पारी खेली थी। इन्होंने अर्धशतक लगाया था, इसके बाद ये आउट हुए। इस मैच में सरफराज अपना खाता नहीं खोल पाए थे, जबकि शुभमन गिल ने अपने करियर का 6ठा अर्धशतक लगाया था। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे प्रकाश झा के बारे में। प्रकाश झा का जन्म 27 फरवरी 1952 में हुआ था। प्रकाश झा एक भारतीय फिल्म निर्माता, अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक हैं, जिन्हें ज्यादातर उनकी राजनीतिक और सामाजिक राजनीतिक फिल्मों जैसे दामोल 1984 में, मृत्युदंड 1997 में, गंगाजल 2003 में, अपहरण 2005 के लिए जाना जाता है। राजनीति 2010, आरक्षण 2011, चक्रव्यूह 2012 और सत्याग्रह 2013 जैसी मल्टी स्टारर फिल्म में शामिल हैं। वे फेस आफ्टर द स्टॉर्म 1984 और सोनल 2002 जैसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता वृत्त चित्रों के निर्माता भी हैं। वे एक प्रोडक्शन कंपनी प्रकाश झा प्रोडक्शन चलाते हैं। वे पटना में PNM मॉल और जमशेदपुर में PNM हाईटेक मॉल के भी मालिक हैं। बिहार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार देगी प्रोत्साहन राशि। बिहार पर्यटन को देश विदेश में बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रोत्साहन राशि देगी। राज्य सरकार टूर ऑपरेटर्स और होटल संचालकों को आर्थिक सहायता देगी। इसके तहत 75,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। इस योजना का मकसद है कि बिहार में पर्यटन को बढ़ावा मिले, साथ ही टूर और ट्रैवल फेयर के साथ ही रोड और प्रदर्शनी में भाग लेने पर आर्थिक सहायता राशि मिले। सरकार का मकसद है कि बिहार के ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों की ब्रांडिंग पर पर्यटकों को आकर्षित किया जाए। सरकार के इस योजना का लाभ पाने के लिए टूर ऑपरेटर या ट्रैवल एजेंसी को रजिस्टर्ड होना जरूरी है, साथ ही पर्यटक विभाग से अनुमति भी लेनी होगी। अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए सरकार का प्लान तैयार। बालू के अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने प्लान तैयार कर लिया है। इसके लिए राज्य के 8 जिलों में अस्थायी पोस्ट बनाए जाएंगे, साथ ही इन जगहों पर CCTV कैमरे लगेंगे। इसका कंट्रोल रूम संबंधित यूनिट अनुमंडल या कंट्रोल रूम में होगा। अवैध खनन की ढुलाई और बिक्री को रोकने के लिए पटना, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, शिवहर, सारण और जमुई जिले में अस्थायी चेक पोस्ट का निर्माण होगा। ये 24 घंटे काम करेंगे। यहाँ CCTV कैमरे लगेंगे। कुछ दिन पहले मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, इसमें इसे लेकर आदेश जारी किया गया था। इसके बाद जिलों को इसका प्रस्ताव भेज दिया गया है। बिहार के 33 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का उद्घाटन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को बड़ी सौगात दी है। यहां 33 रेलवे स्टेशन और 68 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास हुआ है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम ने रोड ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज का LHS का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम के एक अन्य मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी शामिल हुए। इसमें फतुहा इस्लामपुर रोड अंडरब्रिज, बिहटा नेउडा रोड ओवरब्रिज और पटना गया रोड अंडरब्रिज शामिल है। इस परियोजना से भीड़ में कमी आएगी, साथ ही सुरक्षा और कनेक्टिविटी में भी इजाफा होगा। रेल यात्रा की क्षमता के साथ ही दक्षता में सुधार संभव हो सकेगा। राज्य के बरौनी, अररिया, कोट, शिवनारायणपुर, मोतीपुर, लखीसराय आदि 33 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। के पाठक ने विशेष छात्रवृत्ति को दी मंजूरी। के पाठक ने विशेष छात्रवृत्ति को मंजूरी दे दी है। इसके बाद कई छात्र व छात्राओं को लाभ मिलेगा। अब विदेशों में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। उच्च शिक्षा में नवाचार और शोध को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग ने नए वित्त वर्ष 2024 और 25 में स्टेट लेवल फेलोशिप देने का ऐलान किया है। इसके लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने मंजूरी दे दी है। सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की मदद की जाएगी। इसके लिए इस योजना का प्रस्ताव लाया गया है। बताया जाता है कि 5 से 8 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के 400 से 450 मेधावी छात्रों को फेलोशिप दी जाएगी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मिलने वाले ऋण में भी विभाग ने बढ़ोतरी की है। UPI से एक दिन में इतने रुपए कर सकते हैं ट्रांसफर। कई लोग UPI से पैसों का ट्रांसफर करते हैं। UPI के आने के बाद ट्रांजैक्शन की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। दुनिया भर में कई देशों के लोग इस व्यवस्था को अपना रहे हैं। MPCI के अनुसार आप UPI से एक दिन में 1 लाख रुपए तक का ट्रांसफर कर सकते हैं। मालूम हो कि UPI से लेन देन पे गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे आदि सर्विस प्रोवाइडर का इस्तेमाल किया जाता है। एक दिन में UPI के माध्यम से 1 लाख से अधिक की राशि को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। वहीं अमेजोन पे पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद पहले 24 घंटे में सिर्फ 5,000 का ट्रांजेक्शन संभव है। मशहूर गजल गायक पंकज उधास का निधन। मशहूर गजल गायक पंकज उधास का 72 साल की आयु में निधन हो गया है। इनका अंतिम संस्कार आज मुंबई में किया जाएगा। ये लंबी बीमारी से गुजर रहे थे। मालूम हो कि इन्हें चिट्ठी आई है, गजल से शोहरत मिली थी। इनके कई गाने और गजल पॉपुलर हुए थे। ना कजरे की धार, चांदी जैसा रंग है तेरा इनके मशहूर गानों में से एक है। तेरे बिन चले तो कट ही जाएगा, फिर तेरी याद आ गई गानों को भी खूब पॉपुलैरिटी मिली थी। इन्होंने अपनी गायकी का लोहा मनवाया था। इनके बढ़िया गानों के लिए इन्हें कई पुरस्कार भी मिले थे। इन्हें साल 2006 में पद्मश्री से नवाजा गया था। पंकज उधास के निधन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक जताया है। CM ने कहा है कि उनकी आवाज लोगों के दिलों में राज करती रहेगी। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे जैन मंदिर के बारे में। ये जैन मंदिर बिहार के वैशाली जिले में स्थित है। आपको बता दें कि वैशाली जिला धार्मिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस जिले का इतिहास भगवान बुद्ध से भगवान महावीर तक फैला हुआ है। यहाँ स्थित 52 पोखर भगवान महावीर के जन्म स्थान के रूप में लोगों के बीच प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव राजाओं द्वारा करवाया गया था। यहाँ अक्सर जैन धर्म में विश्वास रखने वालों की भीड़ देखने को मिलती है। यदि आपको भी धार्मिक स्थानों पर घूमने का शौक है तो आप यहाँ आ सकते हैं। सक्षमता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न को लेकर शिक्षकों ने दी जानकारी। सक्षमता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न को लेकर शिक्षकों ने जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा है कि इसके प्रश्न कठिन रहे, इसमें BPSC लेवल के प्रश्न पूछे गए। आपको बता दें कि 26 फरवरी से परीक्षा की शुरुआत हुई है। 6 मार्च तक के लिए परीक्षा का आयोजन हुआ है। 232,190 नियोजित शिक्षक परीक्षा में शामिल होंगे। इन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन किया है। बीते दिन को शिक्षकों ने कहा कि परीक्षा काफी कठिन रहा। पहली पाली की परीक्षा सुबह के 10 बजे से शुरू हुई थी। इसके बाद 12:30 बजे तक के लिए परीक्षा आयोजन हुआ। परीक्षा देकर निकले कुछ शिक्षकों ने कहा कि राजकर्मी का दर्जा देने के लिए परीक्षा सही है। राष्ट्रीय बेसबॉल के पुरुष वर्ग में बिहार ने जीता खिताब। राष्ट्रीय बेसबॉल के पुरुष वर्ग में बिहार ने जीत हासिल की है। वहीं महिला वर्ग में ओडिशा ने खिताब जीता है। पाटलिपुत्र खेल परिसर में 5वीं जूनियर राष्ट्रीय बेसबॉल चैंपियनशिप खेला गया, जबकि 41वीं जूनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग फाइनल में राजस्थान ने छत्तीसगढ़ को 5-3 से हराकर जीत हासिल की है। केरल को हराकर आंध्र प्रदेश ने 2-1 से जीत हासिल की। बालिका वर्ग में तेलंगाना ने केरल को 10-9 से हराकर खिताब जीता है। मुख्य अतिथि डॉक्टर सहजानंद प्रसाद, प्रोफेसर अमरनाथ सिंह और डॉक्टर अजय कुमार ने प्रसाद वितरण किया था।
मनीषा रानी को बॉलीवुड के डायरेक्टर ने किया सपोर्ट। बिहार की रहने वाली मनीषा रानी झलक दिखला जाए 11 की फाइनलिस्ट बन चुकी हैं। इसके बाद फिनाले से पहले इन्हें बॉलीवुड के डायरेक्टर ने ट्वीट कर सपोर्ट किया है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने मनीषा रानी का साथ देते हुए लंबा पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने कहा कि मनीषा ने बचपन से ही बहुत सी मुश्किलें झेली हैं। उन्होंने सर्वाइव करने के लिए कई तरह के काम को किया है, इस कारण उन्हें मौका मिलना चाहिए। बिहार के मुंगेर की रहने वाली इस लड़की के माता पिता तब अलग हो गए थे जब ये 8 साल की थी। साल 2015 में इनकी किस्मत इन्हें मुंबई लेकर आई। इसके बाद इन्हें डांस इंडिया डांस के लिए चुना गया, लेकिन पहले राउंड में ही ये बाहर हो गई थी। अब ये झलक दिखला जा के फाइनल में है। इन पर मां सरस्वती का आशीर्वाद बना रहे। प्रदेश के न स्थानों पर बारिश की संभावना। प्रदेश में कई जगहों पर बादल की आवाजाही देखने को मिल रही। बादलों की आवाजाही से प्रदेश में बारिश की संभावना जताई जा रही है। राजधानी पटना में भी अधिक स्थानों पर बारिश की स्थिति देखने को मिली है। आज प्रदेश में दक्षिण और पश्चिम व गया और नवादा जिले में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि प्रदेश के अन्य हिस्सों का मौसम शुष्क रहने की बात कही गई है। आज का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। मैट्रिक परीक्षा की कॉपियों का जल्द होगा मूल्यांकन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मैट्रिक परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य 1 से 10 मार्च तक चलेगा। समिति ने सभी जिलों को मूल्यांकन से संबंधित निर्देश भेज दिए हैं। राज्य में 250 से अधिक मूल्यांकन केंद्रों की स्थापना की गई है। पटना जिले में 11 केंद्रों की स्थापना की गई है। यहाँ 3000 से अधिक शिक्षकों को मूल्यांकन काम के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। परीक्षक और प्रधान परीक्षकों को विषयवार चयन किया गया है। इसके नियुक्ति पत्र को समिति की वेबसाइट biharboardonline.com पर अपलोड किया गया है। मूल्यांकन में लगे शिक्षकों को खुद से वेबसाइट पर जाकर नियुक्ति पत्र को डाउनलोड करना होगा। वहीं मूल्यांकन में योगदान नहीं देने पर शिक्षकों में कार्रवाई की जाएगी। मुख्तार अब्बास नकवी ने आरजेडी कांग्रेस पर बोला हमला। मुख्तार अब्बास नकवी ने आरजेडी कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव की दुकान पर कांग्रेस का पकवान है। इन दोनों ही पार्टियों के लिए यात्रा करना जरूरी है। गठबंधन की गठरी में छेद है, इनमें महत्वाकांक्षी मतभेद भी हैं। देश में इनके लिए फिलहाल कोई भी वैकेंसी नहीं है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद कांग्रेस को झटका लगने वाला है। वहीं नरेंद्र मोदी को लेकर नकवी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पहली बार कोई गैर कांग्रेसी सरकार है। ये बिना कांग्रेस के समर्थन के विकास की नीति से देश के लोगों के लिए कल्याणकारी योजना ला रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और राजद का चारों खाने चित होना फाइनल है। तेजस्वी यादव की जनविश्वास यात्रा के कार्यक्रम में हुआ बदलाव। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के जनविश्वास यात्रा में बदलाव हुआ है। इसके तहत भागलपुर के कार्यक्रम को बीते दिन कैंसिल कर दिया गया है। इसका कारण लंबी दूरी है। वहीं आज वे भागलपुर में रोड शो करेंगे। तेजस्वी यादव ने सीमांचल के इलाकों से रथ निकाला। 25 फरवरी से तेजस्वी यादव की यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इसके तहत कल्याणपुर लहेरिया सराय मधुबनी में रोड शो किया है। वहीं हाजीपुर में तेजस्वी यादव का स्वागत जेसीबी से किया गया। इस दौरान फूलों की बारिश हुई, कई लोग जेसीबी पर चढ़ गए थे। लोगों ने तेजस्वी यादव की यात्रा का समर्थन किया। वहीं तेजस्वी यादव ने लोगों से 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान की रैली में आने का आग्रह किया है। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा है कि जनता अब नया बिहार चाहती है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला। द प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार पहली क्लास का बच्चा नहीं है जिसे ककहरा और पहाड़ा पढ़ाया जाए। उन्होंने आरजेडी को वंशवादी पार्टी करार दिया है। साथ ही कहा है कि उत्तराधिकारी नकली युवा होते हैं, बिहार को नकली नेता नहीं चाहिए। पुष्पम प्रिया चौधरी ने युवाओं का अर्थ समझाते हुए कहा कि युवा का मतलब स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, आम्बेडकर और भगत सिंह है। बिहार को युवा लीडर और विकास चाहिए, इसके कोई नकली या धूर्त नहीं चाहिए। क्लास 1 में दाखिले के लिए बच्चों की उम्र तय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एजुकेशन सिस्टम में कई तरह के बदलाव किए गए हैं। इसके तहत अब केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को उम्र तय करने का आदेश दिया है। साल 2023 में एनईपी 2020 को ध्यान में रखते हुए कक्षा 1 में एडमिशन के लिए बच्चों की न्यूनतम उम्र सीमा 6 साल तय की थी। इसके लिए प्रस्ताव दिया गया था। कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ न्यूनतम आयु सीमा वाले फैक्टर पर ही स्कूलों में दाखिला हो रहा है। साल 2023 में केंद्र सरकार ने एक नोटिस को तैयार किया था, साथ ही इसे राज्यों को भेज दिया था। इसके बाद इन्हीं आदेशों को रिपीट कर फिर से भेजा गया है। कई कारणों से दर्ज है भारत इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 2009 में भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी लोकसभा सीट का उत्तराधिकारी पार्टी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन को सौंपा था। आज के दिन वर्ष 2010 में भारत ने 8वीं राष्ट्रमंडल निशानेबाजी प्रतियोगिता में 35 स्वर्ण, 25 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 74 पदक जीतकर प्रथम स्थान हासिल किया था।
आज के दिन वर्ष 1882 में राजस्थान के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1952 में प्रसिद्ध भारतीय हिंदी फिल्मकार प्रकाश झा का जन्म हुआ था। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे रेल मंत्रालय के नाम पर भर्ती को लेकर प्रसारित हो रहे फर्जी नोटिस के बारे में। सोशल मीडिया के जमाने में कई ऐसी खबरें हैं जो वायरल होती रहती हैं, लेकिन सभी सच हों ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में रेल मंत्रालय के नाम पर रेल सुरक्षा बल में उप निरीक्षक और कांस्टेबल की भर्ती के संबंध में एक फर्जी नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। इसे लेकर PIB की टीम ने भी अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जहां बताया गया है कि भारतीय रेलवे की तरफ से ऐसी कोई जानकारी शेयर नहीं की गई है, ना ही कोई नोटिस शेयर किया गया है। इसलिए ऐसी खबरों से सावधान रहे, साथ ही इस खबर को किसी से भी शेयर करने से बचे। फास्टैग पर KYC कराने के डेडलाइन नजदीक। फास्टैग पर KYC कराने की डेडलाइन करीब है। 29 फरवरी तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से फास्टैग पर KYC कराई जा सकती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में वन व्हीकल वन फास्टैग प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जिससे टोल टैक्स कनेक्शन बढ़ेगा और ट्रैफिक जाम से लोगों को राहत मिलेगी। भारत सरकार ने फास्टैग के यूजर्स के लिए KYC को अपडेट करना जरूरी कर दिया है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट fasttag.ihmcl.com पर विजिट करना होगा। इसके बाद माई प्रोफाइल में क्लिक कर KYC के विकल्प में जाकर कस्टमर के टाइप को सिलेक्ट करना है। KYC अपडेट के लिए आगे के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। वहीं से ऑफलाइन अपडेट करने के लिए फास्टैग इशू करने वाले बैंक में जाना पड़ेगा। वंदे भारत एक्सप्रेस का रेलवे करेगा निर्यात। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी साझा की है कि अब रेलवे जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्यात करेगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। कई देशों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। भारत के लिए वंदे भारत के बाद वंदे भारत एक्सप्रेस विदेशों में भी लोगों के लिए उपलब्ध होगा। भारत विदेशों में वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्यात करेगा। रेल मंत्रालय ने साल 2025-2026 में निर्यात के लिए रोड मैप को तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि सरकार वंदे भारत ट्रेन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी लगातार काम कर रही है। अमेरिका के चिली स्टेट ने इसके लिए दिलचस्पी दिखाई है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी देशों ने भी रुचि दिखाई है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि BPSC बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य पदों की परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस तिथि को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2024 मनाया गया है? ऑप्शन ए है 20 फरवरी को, ऑप्शन बी है 22 फरवरी को, ऑप्शन सी है 24 फरवरी को, ऑप्शन डी है 26 फरवरी को। इसका सही उत्तर है 24 फरवरी को। भारत और किस देश के बीच वाणिज्य दूत स्तर का 11वां द्विपक्षीय संवाद हुआ है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है सऊदी अरब, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी है मालदीव। इसका सही उत्तर है अमेरिका। कहां में राष्ट्र सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है नोएडा, ऑप्शन बी सी है गुड़गांव, ऑप्शन डी है लखनऊ। इसका सही उत्तर है दिल्ली। वैशाली में स्थित निम्न पर्यटन स्थल में कौन सही नहीं है? ऑप्शन ए है राजा विशाल का घर, ऑप्शन बी है राज्यभिषेक पुष्करणी, ऑप्शन सी है कमल तालाब, ऑप्शन डी है नाथनगर। इसका सही उत्तर है नाथनगर। बिहार के क्षेत्र में प्रथम जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1872 में, ऑप्शन बी 1881 में, ऑप्शन सी 1901 में, ऑप्शन डी है 1911 में। इसका सही उत्तर है 1872 में। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है बिट्टू कुमार, विकास कुमार, अनुराग कुमार, गौरी कुमारी, अतीक खान, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, रंजीत मिश्रा, मोहम्मद साकिर हुसैन, संजीव कुमार, गोनर शर्मा, पंकज कुमार दास, सालू कुमारी, राजकिशोर महतो, रामनवमी मांझी, नितेश कुमार, अनुज कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, पंकज उधास का कौन सा गाना आपका पसंदीदा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।